कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर पर निकली साइकिलिंग गर्ल मुस्कान रघुवंशी आज शिवपुरी पहुंची। शिवपुरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से यात्रा करने के लिए मध्य प्रदेश के अशोकनगर का रहने वाली बेटी मुस्कान आज मंगलवार को शिवपुरी पहुंची। 25 फरवरी तक कन्याकुमारी पहुंचकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर मुस्कान ने बताया उनका उद्देश्य। साइकिलिंग के माध्यम से उन बेटियों को ये बताना है कि आप सपने देखो और उन्हें पूरा करो, किसी के दबाव में ना आओ, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उन्होंने ये यात्रा कश्मीर से 15 किलोमीटर दूर स्थित CRPF कैंप से 1 फरवरी को शुरू की। उल्लेखनीय है कि मुस्कान इंडिया की पहली बेटी है जिन्होंने नर्मदा नदी 3,200 किलोमीटर की परिक्रमा 19 दिन में साइकिल से पूरी की थी। मुस्कान एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर साइकिल चला रही हैं। उनके पीछे कार चल रही है जिसमें उनके दो भाई और मामा साथ में हैं। श्रीमंत माधव राव खेल परिसर में खेल विभाग के द्वारा मुस्कान रघुवंशी का स्वागत किया गया। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, बरस पुलिस अधीक्षक राय सिंह चंदेल, शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिवपुरी से संवाददाता मोनू नामदेव की रिपोर्ट। पहले रिस्पेक्टिव कलेक्टर सर, SP सर एंड ऑल डियर माय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई स्पीच देने नहीं जा रही हूँ, पर मैं यहाँ अपने बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं पिछले 2 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ और साइकिलिंग में मैं नेशनल लेवल प्लेयर हूँ। मैं मध्य प्रदेश से यंगेस्ट फीमेल SR हूँ और मैं इंडिया की पहली लड़की हूँ जिसने माँ नर्मदा की परिक्रमा की हुई है 19 दिन से साइकिल से। और ये राइड का मकसद सिर्फ यही है, आ राइड फॉर ऑल दी गर्ल्स हु डेयर टू ड्रीम। पर अब यहाँ पे बैठे हुए सारे बच्चे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो राइड का मोटिव है सिर्फ बस लड़कियों से नहीं, सब बच्चों से भी है। क्योंकि कहीं जैसे क्या होता है, सब अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। जैसे मेरा साइकिलिंग का था, मैं साइकिलिंग मेरी फैमिली को मैंने कन्विंस किया, देन मैं यहाँ पे आप सभी के साथ आई हूँ। पर आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप वो फॉलो करें। पर एक चीज़ और मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, आप डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं या जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर शेयर करें, चाहे वो गलत हो या किसी से कोई बात हुई है, कुछ भी हो। जब तक आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करेंगे तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप हर एक बात आपको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। वो कोई मिस्टेक भी हुई है डेफिनेटली वो आपको गुस्सा करेंगे, पर थोड़े टाइम के लिए आपसे गुस्सा रहेंगे, पर उसके बाद वो ठीक है, आपको समझाएंगे, जो भी सही होगा वो आपको बताएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। और एक बात और बोलना है मुझे, आप सभी के सपने ये नहीं होते कि हमें पढ़ाई करना है, जॉब करना है, पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी जाना होता है। तो अपने अपने सपने पूरे करो, पर पहले अपने पेरेंट्स को प्रूफ करो कि आप वो चीज़ कर सकते हो। 2 महीने, 3 महीने या 4 या 6 महीने आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे डेफिनेटली। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में, तो ये होता है। पर आप जब तक कंटिन्यू करोगे, फॉलो करोगे और आप निश्चय कर लोगे आप 100% आप उसमें दोगे, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मुझे अभी यहाँ इतना सपोर्ट आपने मेरा वेट किया, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पर जैसे कलेक्टर सर, SP सर, जैसे सब मुझे यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, जो ग्रुप है साइकिलिंग का, अगर और बाकी मेरी फैमिली भी यहाँ पे आई हुई है मेरे से मिलने के लिए। सो सभी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर पेरेंट्स से मैं एक चीज रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि अपने बच्चों को समझें प्लीज़, वो क्या चाहते हैं, उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, पहले वो भी जाने। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उसको इंजीनियर नहीं, मतलब डॉक्टर नहीं बनना है, फिर भी क्या होता है, नहीं बेटा डॉक्टर की पढ़ाई करो, तो ऐसा नहीं। जो स्पोर्ट्स में है वो स्पोर्ट्स में रहे, जो एक्टिविटीज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ में वो डेफिनेटली अलग अलग एक्टिविटीज़ में जाए, पर अपने सपनों को अपना नाम ऊँचा करें, ये सबकी इच्छा है। और इसमें स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल जो टाइम है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके परिजन को, पापा जी को, रामकृष्ण रघुवंशी जी को, मदर को, फैमिली को, जो अच्छे से इतना सपोर्ट कर रहे हैं और सबके लिए एक आप उदाहरण बन के आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं वो सारे इस भावना से जुड़ रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें और बढ़ेंगी हमारी युवा लड़कियों को और लड़कों को। ये आपका पूरा एक कैंपेन है, ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है हमारी इंटीग्रिटी को भी दिखाती है, हमारे देश के प्रेम को भी दिखाती है और एक हौसला भी सबको देती है। जो आपकी यात्रा है कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है? ये मेरी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा है। ये मैंने सुंदर CRP कैंप से 1 फरवरी को स्टार्ट किया हुआ था और कन्याकुमारी को 25 या 26 फरवरी को मैं कंप्लीट करूंगी। ये आपकी यात्रा जो हो रही है उसका क्या उद्देश्य है? इसका एक ही उद्देश्य है, राइट फॉर ऑल दी गर्ल्स हु डेयर टू ड्रीम।
ओके इसका ये उद्देश्य है, जो लड़कियां काफी बड़े बड़े सपने देखती हैं, अलग एक्टिविटीज में सपने देखती हैं, पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में सपने देखती हैं, पर कहीं ना कहीं उनके सपनों को दबा दिया जाता है। तो इसलिए मैं ये राइड कर रही हूँ, क्योंकि जो होती हैं, आप लड़कियों को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। अगर पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो आगे नहीं बढ़ेंगी। पर बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपको जिस भी एक्टिविटी में, पहले अपने पेरेंट्स को आप प्रूव कीजिए, देन वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी जो यात्रा है इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य का इसका इनडायरेक्टली वुमन एम्पावरमेंट है, क्योंकि हमारा जैसे सशक्त देश भारत के लिए सशक्त महिलाओं का होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिला है जैसे माँ बहन और पत्नी के रूप में पुरुष का पूरा सपोर्ट करती है, पर पुरुष ये होता है ना कहीं वो सोचते हैं हमें जितनी इज्जत मिले सपोर्ट मिले, तो वही पुरुषों से अपील है कि आप भी जो महिला आपके घर में है उनको आप रिस्पेक्ट देंगे तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी। मेरा लोगों के लिए यही संदेश है, प्लीज बच्चों को अपने सपने पूरे करने दीजिए, और पेरेंट्स से यही रहेगा, पेरेंट्स और बाकी लोगों से यही है कि आप वुमेन्स का रिस्पेक्ट करें, वो आप जब रिस्पेक्ट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने दिए जाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि भारत की आधी जनसंख्या है वो महिलाओं की भी है, और जो महिला है वो ही किसी पर डिपेंड रहेंगी तो डेफिनेटली भारत ग्रो नहीं कर पाएगा।